हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मैं आसिया अली एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बाज़ार वाले क्रिस्पी रोल की रेसिपी। ये रोल घर पर आप कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो बाज़ार जैसी चीज़ें घर पर बनाएं, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है वो बाज़ार जैसी चीज़ें घर में बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो आइए देखते हैं कि हमें आलू वाले बाज़ार जैसे क्रिस्पी रोल बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और किस क्वान्टिटी में चाहिए। सबसे पहले चाहिए जी हमें आलू, और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 kg आलू मौजूद हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया, इनका छिलका उतार लिया है। 1 kg आलू में यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 2 tablespoon, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पर 1 tablespoon सॉल्ट जाएगा इसमें। यहाँ पर लिए मैंने 2 tablespoon साबुत धनिए की और इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और यहाँ पर डाल रही हूँ 1 tablespoon ज़ीरा, जी हाँ साबुत ज़ीरा डालना है। और इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी हरा धनिया, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को डालने के बाद आलू को मैश कर लेना है अच्छे से। और आप आलू को मैश करने के लिए हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मैशर का यूज़ भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे आप उसी तरह से आलूओं को मैश कर लीजिएगा। तो जी यहाँ पर हमारे आलू भी मैश हो चुके हैं, और इसके अलावा हमारा अमेज़ा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। मसाले भी तकरीबन आलू में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो आइए अब फिलिंग की तरफ चलते हैं और आलू वाले रोल की फिलिंग करते हैं। जी तो सबसे पहले हमें रोल बनाने के लिए चाहिए रोल पट्टी, और यहाँ पर रोल पट्टी के ऊपर मैं रख रही हूँ आलू का अमेज़ा। और इस तरह से आपने आलू का अमेज़ा रखना है, और इसके बाद जी इस तरह से हमने रोल को फोल्ड करना है, फिर साइडों से उठा के साइडों को फोल्ड करना है और फोल्ड करते जाना है। और रोल के एंड पर हम लगा देंगे मैदा ग्लू। और इस तरह से जी ये देखें हमारा रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितने आराम से और कितने परफेक्ट तरीके से रोल रेडी हो चुका है। और इसी तरह हमने सारे के सारे रोल रेडी कर लेने हैं। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से मैंने बहुत सारे रोल झटपट रेडी कर लिए हैं। तो आइए चलते हैं अब इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर गर्म ऑयल में मैंने रोल डालने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ बहुत बड़ी सी कढ़ाई मौजूद है मेरे पास, और मैं एक बार ही सारे के सारे रोल इसमें डाल दूँगी। इफ्तार में जब हम लोगों को बहुत जल्दी होती है तो हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें एक ही उसमें रेडी हो जाएँ, तो इसलिए मैंने बड़ी सारी कढ़ाई ली क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी थी कि जल्दी जल्दी हमारे रोल रेडी हो जाएँ। स्लो आंच पर रोल्स को फ्राई होते तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्डन सा कलर, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। एक साइड से हमारे रोल जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, कोई रोल चेंज होता है और कोई नहीं चेंज होता, यानी कि इनकी साइड चेंज बहुत मुश्किल होती है करनी, बहुत एहतियात के साथ कीजिएगा ये काम आप। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बाज़ार वाले आलू वाले क्रिस्पी रोल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।